नमस्कार, मैं हूँ आंचल आनंद। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। यूपी में बुआ बबुआ या फिर मोदी सरकार, इस पर हमारी नजर आएगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी। करीब 8:15 पर रुझान मिलने भी शुरू हो जाएंगे। इंडिया न्यूज पर आपको सबसे तेज चुनावी नतीजे देखने को मिलेंगे। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स हर जगह पर मौजूद हैं, ग्राउंड लेवल की आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकारों और नेताओं का पूरा पैनल भी मौजूद रहेगा। आपको हम अपनी टीवी स्क्रीन समझा दें। सबसे ऊपर देखिए 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर नतीजे मिलेंगे एसपी अलायंस, बीजेपी, बीएसपी और अदर्स के। उत्तराखंड की एक साइड पे देख रहे हैं आप, तस्वीर क्या होने वाली है। गोवा, साथ ही साथ पंजाब के क्या नतीजे रहने वाले हैं, ये भी आपको मिलेंगे। पहले रुझान मिलेंगे, उसके बाद नतीजे मिलेंगे। तो एक तरह से हमने पूरी तरह से बंदोबस्त कर दिया है कि सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाए जा सके। यूपी चुनाव नतीजों से पहले आपको ये भी बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश और मुलायम के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ। किस तरह का माहौल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का आज रिजल्ट घोषित होने वाला है और हम इस समय समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर हैं। मुझे याद है 2012 में यहां पर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर सन्नाटा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया है उसमें किसी ने समाजवादी पार्टी को विजेता घोषित नहीं किया है। कल सभी नेताओं की रात कैसे कटी होगी ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज रिजल्ट का दिन है और हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां खामोशी छाई हुई है। मुझे याद है 2012 में जब अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में बहुत सारी रैलियां की थी और जिस समय रिजल्ट निकलने वाला था तो लोग धीरे धीरे पार्टी ऑफिस के बाहर, मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए। यहां पे आपको सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी शांति से टकटकी लगाकर टेलीविजन देख रहे हैं कि आखिर किसके पक्ष में रिजल्ट जाता है। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज रिजल्ट का दिन है और हम मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर हैं। 2012 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई सालों तक उन्होंने समाजवादी पार्टी को चलाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके बगल में ही अखिलेश यादव का घर है। थोड़ा सा आगे अब जाएंगे तो अखिलेश यादव का घर है और बीच में एक दीवार है। उस दीवार ने इस बार लोगों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ा दी कि पिता पुत्र दोनों पूरी तरीके से अगर हम कहें तो पार्टी में विचारधारा के रूप में अलग हो गए और शायद यही विचारधारा आज के रिजल्ट को निर्धारित करेगी। अगर इस विचारधारा से उत्तर प्रदेश के लोग प्रभावित हुए होंगे तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, नहीं तो एक बार फिर से लोग मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं है, रिजल्ट जल्दी ही निकलने वाला है और ये पता चलेगा कि आखिर कौन असली राजा है। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो नतीजे आने बाकी हैं, रुझान शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मंदिर में पूजा की और भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। अब इसी चुनाव से एंड पहले उन्होंने पाला बदला। कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थी और सीधे वो बीजेपी में आई और लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रही हैं और यहां पर उनका मुकाबला अपर्णा यादव, जो कि बहू है मुलायम सिंह यादव की, उनके साथ हो रहा है। वैसे ही ये सीट पर रीता बहुगुणा जोशी हमेशा से ही मजबूत रही हैं। अब ऐसे में क्या होगा उनकी किस्मत का फैसला, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और एक दूसरा चेहरा आपको दिखा रहे हैं स्वाति सिंह की, जिनके पति को तो बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया था, लेकिन स्वाति सिंह एक बेहतरीन महिला चेहरा बीजेपी का बनकर उभरी और उन्हें भी टिकट मिला इस बारी और वो पूजा अर्चना के लिए भगवान के पास। बिल्कुल सरकार बने, यही मन्नत मांग भी रही हूँ और सरकार बन भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद जरूर है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनकी छत्र छाया रहेगी, उनका साथ रहेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, पार्टी भी बढ़ेगी, मैं भी बढ़ूंगी, हर कोई आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है, कहीं ना कहीं एक टर्निंग प्वाइंट है जो आज शायद कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा कि किधर को मुड़ रही हूँ मैं। लोकतंत्र में काम और आपकी छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है, किस दल से आप लड़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत
जीत जो है अच्छी होगी और जनता का और मतदाताओं का जो आशीर्वाद है वो आज एक अच्छी बहुमत के रूप में परिणत होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 250 के ऊपर बीजेपी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी क्योंकि लोकमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो 2019 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल है ये, और 1/5 ऑफ इंडिया इलेक्टोरेट, करीब करीब 16 करोड़ लोग इसमें जो इलेक्टोरेट थे उन्होंने जाकर अपने मत का प्रयोग किया। इतनी तो पाकिस्तान की आबादी है, इसीलिए हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। हम आपको बार बार स्क्रीन तो समझा चुके हैं जहां पर आपको सबसे सटीक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साथ ही साथ गोवा के नतीजे मिलेंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है और ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं हमारे रिपोर्टर्स की। हमारे साथ अनिला सिंह जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है वो जुड़ रही हैं, शहजाद पूनावाला कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता सपा के हैं वो लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आपको यह भी बता दूं वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपनी पूरी साख दांव पर लगाई है कल हमें एग्जिट पोल देकर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक जी, प्रमोद जोशी जी और अनुज गुप्ता जी स्टूडियो के अंदर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिला जी, खबरें तो हमारे पास आ गई हैं कि आप केसरिया होली मनाने जा रहे हैं, इसकी तैयारी आपने बीजेपी दफ्तरों में कर ली है, रंग मंगा लिया है, लेकिन साथ ही साथ रक्षाबंधन भी पहले मनाएंगे, राखी मंगवाई है या बहन जी को कोई न्योता दिया है आपने? देखिए जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा तो बहन जी भी आएंगी उसमें, भैया भी आएंगे उसमें, और राहुल जी भी आएंगे, सभी को हम न्योता देंगे आंचल जी, और आपको तो मैं विशेषकर न्योता दूंगी, आप सब लोग वहां पर मौजूद रहेंगे जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा। ओवरऑल एग्जिट पोल्स देखें तो रक्षाबंधन मनाए बिना आपके सरिया होली शायद ना मना पाए, तो रिमोट कंट्रोल ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अखिलेश की भाषा में बोले या फिर भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाने जा रही है, सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार देने का काम करेगी यूपी में जिसकी प्रतीक्षा यूपी जनता को 14 वर्षों से। आज समाजवादी पार्टी जो प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी, उन्होंने आज सुबह सुबह बयान दिया कि केंद्र सरकार ने अतिक्रमण किया है, लोकतंत्र पे आक्रमण किया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो रहा या पूरी पूरी कैबिनेट यूपी में रही वो, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि वो शिथिल रहा है। ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो कई बयान ऐसे दिए हैं जो इसकी मैं चर्चा करना भी उचित नहीं समझता। संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर होना है, इसका आभास सत्ता में बैठे हुए चाहे वो उनके प्रवक्ता हों चाहे उनके मुखिया हों सबको हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है, और हम सत्ता में आकर के किसी को सताने के लिए नहीं, विकास में भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं, ऐसे लोगों को सुधारते हुए और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। अध्यक्ष जी, पंजाब और गोवा में छोड़ के तीनों राज्य में बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, प्रधानमंत्री चेहरे पर गए थे, अब चूंकि रिजल्ट के लिए आप अस्वस्थ हैं, फिर किस तरह से सीएम की वो भी हो जाएगा, आप आज दिन भर का वोटों की गिनती होने दीजिए, शाम तक कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, विधायक दल चुना जाएगा, तो स्वाभाविक तौर से बिना मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, जो सरकार आएगी उसका मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन वो तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सीधे चलते हैं राणा यशवंत के पास। वैसे तो हम सभी पत्रकार नेताओं की क्या बात करें राणा जी, सारे के सारे कोई भी रात भर करवटे बदलते रहे और कोई भी सो नहीं पाया, मुझे ये बताइए आपके दो आकलन, दो एनालिसिस जो आपको लगता है बिल्कुल सही होने जा रहे हैं 8 बजे के बाद। आचल, दो बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रोजेक्शन रहा है एग्जिट पोल का बहुत हद तक शायद वैसा ही रहे, आंकड़ों में थोड़ा हेर फेर हो जाए तो हो जाए, लेकिन दो चीजें जो बहुत अहम होने जा रही हैं वो क्या मायावती का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होगा, अगर मायावती इस बार निपट जाती हैं या उनका वजूद उत्तर प्रदेश से हट जाता है, बहुत कम आंकड़ा जैसे 60-70 सीटों के आसपास प्रदर्शन है उतना आता है, तो मायावती के लिए उनकी बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। दूसरा, अखिलेश और राहुल गांधी एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में आए और कहा यह गया कि ये नौजवान जोड़ी है और नई उम्मीद के साथ, नई संभावना के साथ, नई राजनीति लेकर उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस जोड़ी को अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगी। बिल्कुल, तीसरी बात यह है कि बीजेपी अगर मोदी के बूते आती है, इसका मतलब कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है और वह आगे, मतलब 2019 और गुजरात का जो चुनाव
आने वाला है, इन दोनों में यह और मजबूत होगा और ताकतवर होगा और बाकी जो विपक्ष है उसको फिर से अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मोदी से मुकाबला करने के लिए क्या उसको और मजबूती से अपने आप को लामबंद करना पड़ेगा। ठीक है शहजाद, अभी अभी राणा जी ने बहुत बेहतरीन बात कही। आप तो कहते चले जा रहे थे भाई यूपी को ये साथ पसंद है और कांग्रेस का हाथ पसंद है अखिलेश को, हाथ छोड़कर हाथी की बात करने लग गए, अभी नतीजे आए नहीं है। देखिए पहले तो एग्जिट पोल्स पे कई पार्टियां अपने लड्डू और रंग बुलवा देती है, पहले दिल्ली और बिहार में सारे लड्डू वेस्ट हो गए, तो मैं अपनी बहन अनिला जी से कहूंगा कि इस बार लड्डू वेस्ट मत करना। अरे सुनिए ना आप, अनिला जी को कोई इंटरप्ट नहीं करता, भाजपा के लोगों को कोई इंटरप्ट नहीं करता, कांग्रेस सपा जैसे बोलते थे इंटरप्शन शुरू हो जाता है। चलिए मुझे लगता है 11 बजे के बाद आप हमारा इंटरप्शन नहीं करेंगी, इनका ज्यादा करेंगी, पर मैं ये कहूंगा कि बहन अनिला जी जो भी इनके लड्डू वगैरह है हमारे दफ्तर जरूर भिजवा दे 11 बजे के बाद, ताकि कम से कम इनके यहाँ काम ना आए तो कम से कम हम लोग इस्तेमाल कर ले। हमने कुछ मंगवा के नहीं रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जैक्ट पोल जो 11-12 बजे तक आ जाएगा उस पर हम लोग हमारे राजनीतिक फैसले और प्रदेश के जो फैसले लेना है वो तय करेंगे। तो जो बहन जी वाला सवाल है वो भी 11 बजे के बाद देखेंगे। 12 नहीं नहीं, तो एक बात बताइए ना शहजाद पूनावाला कि अखिलेश यादव को एकदम नतीजे आने से पहले ये क्यों कहना पड़ा कि देखिए रिमोट कंट्रोल से राष्ट्रपति शासन चलाया जाएगा, हम बहन जी के साथ भी जा सकते हैं, ये बात क्यों कहनी पड़ी? मैं आपको बताता हूँ, अखिलेश यादव जी का पूरा इंटरव्यू मैंने बार बार देखा, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारी सरकार आ रही है, उनको पूछा गया कि अगर नहीं आती है तो ये संभावना उनको जब पेश की गई तो उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा मोदी जी सरकार को चलाए, वहां से सांप्रदायिक लोग चलाए इसको, और बहन जी ने खुद कहा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो नहीं चाहती मोदी जी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाए। तो मुझे लगता है कि वही लॉजिक को अगर अप्लाई किया जाए तो मायावती जी भी नहीं चाहेंगी। कल से नरेश अग्रवाल, सुबह सुबह राजेंद्र चौधरी, कोई ऐसा सपा का बड़ा प्रवक्ता नहीं बचा है जिसने आंतरिक तौर पर सबोटाज की बात ना कही हो, अखिलेश यादव को हराने की बात ना कही हो। तीन पत्रकार हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले अनु जी, हाथी आया फुस, क्या सिर्फ किंग मेकर की भूमिका में मायावती रह जाएंगी आपके आकलन के मुताबिक? देखिए यदि जैसा कि एग्जिट पोल वगैरह ने अंदाज लगाया है यदि वैसा ही होता है तो बसपा के भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में शून्य और यदि बीजेपी या समाजवादी पार्टी गठबंधन किसी एक को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और दूसरा दूसरे स्थान पर रहता है तो ऐसा तय मानिए कि बहुजन समाज पार्टी को राज्यसभा में भी एक या दो सदस्य भेजने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मायावती जी को अपनी सांसदी के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकेगी, इसलिए मुझे लगता है कि आज जो नतीजे आने वाले हैं वो मायावती जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मुताबिक बहन जी को किसी हाथ में तो राखी बांधनी है, किसके हाथ में बांधेंगी वो राखी, ये बहुत बड़े सस्पेंस की बात होगी जी। विवेक जी और मैं प्रमोद जी के पास आऊंगी, ये मान जो है ये आंकड़ों से बहुत दूर है, ये मान लो जी राखी हाथ में बनती है, आप उसका पॉलिटिकल डिस्कस ना निकाले, मैंने कहा राखी हाथ में बनती है, बहन हमेशा भाई के हाथ में राखी बांधती है, लेकिन वो सबकी बहन जी है, लेकिन इस बारी पहली बार ताबड़तोड़ अभी अभी शहजाद जी ने मान लिया कि ये लोग आंकड़ों से बहुत पीछे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौट आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से कुछ ही देर बाद आने वाले हैं, 8 बजे ईवीएम मशीन्स खुलना शुरू हो जाएंगी, 8:15 बजे तक तमाम रुझान आ जाएंगे और हमने स्क्रीन पूरी तरह से तैयार कर दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी चुनावी नतीजों को समझ सकें। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एक साइड पर नतीजे आपको मिलेंगे, पहले रुझान मिलेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट मिलेंगे, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एनालिसिस के लिए हमारे साथ न सिर्फ यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, हमारे पास पॉलिटिकल इनपुट्स हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पर बहुत रिपोर्टर्स हर जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और साथ ही साथ हमारे साथ चुनाव सेंटर में लगातार हमारे मैनेजिंग एडिटर अभी राणा यशवंत जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ब्यूरो सेंटर्स का भी रुख करेंगे। तो आपने स्क्रीन को देख लिया है, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सबसे पहले संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से दफ्तर से। संजय जानना चाहेंगे, वहां पर तो बताया जा रहा है होली के रंग आ गए हैं, गुजिया आ गई है, लेकिन आप सुबह सुबह बहुत तेज हलचल देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। देखिए आजकल सुबह हो चुकी है, कमल खिलने का इंतजार है, आज ही होली खेली जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 11 तारीख को
केसरिया होली खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। तो पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया जा चुका है बंगाली मिठाई वाले को। तो कभी करीब करीब ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि बीजेपी आज यहां पर जश्न मनाएगी, जबरदस्त जश्न होगा, होली भी आज ही खेलेंगे। बीजेपी के नेताओं ने दफ्तर पहुंचना शुरू कर दिया है। सबसे पहले श्याम जाजू यहां पर पहुंचे हैं, कुछ प्रवक्ताओं ने भी यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में यहां पर प्रवक्ताओं की एक बड़ी भारी फौज, पूरी पूरी टीम यहां पर पहुंचने वाली है जो सभी मीडिया को इनपुट देगी। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं कि आज दफ्तर सुबह 6 बजे खुल गया, दफ्तर में चहल पहल शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ताओं ने यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है, कई सारे नेता यहां पर धीरे धीरे पहुंचने शुरू कर देंगे। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह खुद यहां पर 11 बजे के बाद, जब तक की ट्रेन क्लियर हो जाएंगे, 2-3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिखेगी। ठीक है, अमित शाह ने कहा था 1 बजे तक अच्छे दिन आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के, 1 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। संजय ने बताया अभी 100 किलो लड्डू का सह प्रायोजक कायम चूर कब्ज के लिए इंडिया का नंबर 1 ब्रांड MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का MDH की देगी मिर्च। नो स्कार्स, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्श कल्प, एक्वालाइट फुटवेयर मजबूत कदमों का मजबूत साथ, और डॉक्टर MS बासूस आइसोटाइन आई ड्रॉप रोशनी की बूंदे। यूपी समेत 5 राज्यों में मतगणना आज आधे घंटे बाद शुरू होगी। वोटों की गिनती इंडिया न्यूज पर देखिए, सबसे तेज नतीजे दिन भर लगातार। यूपी चुनावी नतीजों से पहले SP के सीनियर लीडर राजेंद्र चौधरी का बयान, अखिलेश को हराने के लिए केंद्र और पार्टी के कुछ नेताओं ने रची साजिश, केशव प्रसाद मौर्य बोले SP ने मानी हार। नतीजों से पहले जीत का आशीर्वाद लेने भगवान के दर पहुंचे नेता, पार्टी की जीत का किया दावा। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में यूपी में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, उत्तराखंड में बीजेपी की बन सकती है सरकार, पंजाब में अकाली की हो सकती है करारी हार। और एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त को राहुल गांधी ने किया खारिज, कहा यूपी में SP कांग्रेस गठबंधन की ही बनेगी सरकार, एग्जिट पोल का होगा बिहार जैसा हाल। तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आपको सबसे पहले हम चुनावी नतीजे देंगे। 5 राज्यों में वोटों की गिनती अब से आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी और इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। करीब 8:15 बजे पहले रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। इंडिया न्यूज ने आपको सबसे तेज नतीजे बताने के लिए पूरी तैयारी की है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपरी हिस्से में यूपी के नतीजे और लेफ्ट राइट में गोवा और उत्तराखंड के नतीजे हैं और रुझान देख सकेंगे, जबकि नीचे में पंजाब का नतीजा और रुझान आपको देखने को मिलेगा। इन सबके अलावा चुनावी सेंटर और ब्यूरो सेंटर से आपको हर सीट का नतीजा और हाल भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही किसी का रुझान आना शुरू हो जाएगा किसी पर्टिकुलर सीट पे, किसी बड़े नेता का, आप उसकी फोटो भी देख पाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर और नतीजा भी देख पाएंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता सपा के हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले संजीव जी के पास जाती हूं लखनऊ में। राजेंद्र चौधरी का सुबह बयान आया, उन्होंने कहा कि अखिलेश को हराने की पूरी कोशिश की गई केंद्र की तरफ से भी और उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी। एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नौचे। आप मुझे ये बताइए, चुनाव के नतीजे आए नहीं थे, आपने हथियार पहले ही डाल दिए? संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपसे जानना चाहूंगी, आप तो दावे करते थे यूपी में आपका काम बोलता है, अब काम आपका क्या नजर नहीं आया लोगों को? ये पहले से ही आभास होना शुरू हो गया आपको कि आपने हथियार डाल दिए? इसमें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जनता की भी आवाज लगता है आप तक पहुंची नहीं थी, इसीलिए पहले हथियार डाले। बहरहाल 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और साथ ही साथ
ब्रजेश पाठक। सुबह सुबह आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। नेताओं के दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा इस वक्त, इंतजार होगा कि कब ईवीएम के नतीजे सामने आए, ईवीएम की पेटियां खुले और उसके बाद उन्हें पता चले कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, हमने कुछ इस तरह की तैयारी की हुई है। हमारे साथ विवेक जी स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक जी, सबसे पहले आप जिस तरह से यूपी के अंदर चुनाव के नतीजे आए नहीं, इससे पहले ही ये अखिलेश की तरफ से इशारा आया कि हाथ से ज्यादा उनके लिए हाथ ही इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए, एग्जिट पोल्स जब आए उसके बाद जो नतीजे उसमें दिखे, उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है। शायद जो भीतरघात पार्टी में हुआ है, शायद जो परिवार के अंदर